तो देखिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी पैन ले लीजिए। फ्राई पैन को कर दिया है हल्का सा चिकना, तो फ्राई पैन को चिकना करके इसमें डाल देती हूँ हाफ कप चीनी। तो कोई भी आप कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हाफ कप चीनी इसके पूरे पैन के अंदर फैला देती हूँ और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। तो एक बार इसको देखिए, हिलाना नहीं है, ये थोड़ी सी देर ये ऐसे ही रहेगी तो ये अपने आप से ये देखिए मेल्ट होने लगेगी। तो कैरमलाइज करने के लिए देखिए बहुत ही अच्छा आसान तरीका और बहुत ही अच्छी, इनसे कैरमलाइज से बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बन की तैयारी होती है। आइसक्रीम में एक जो मार्केट के अंदर से अपन आइसक्रीम लेके आते हैं वैसा इसके अंदर फ्लेवर आता है। तो अब हल्की सी ये मेल्ट हो गई, अब हल्का सा इसको कर देते हैं मिक्स और गैस के फ्लेम को देखिए मीडियम कर रखा है। आप बीच बीच में जैसे आपको जरूरत पड़े उस हिसाब से आप तेज भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको गैस को रखना है, क्योंकि आप तेज ही रखोगे तो नीचे चिपक भी सकता है। तो आप देखिए, ये देखिए थोड़ी सी देर में ये चीनी बहुत जल्दी ये देखिए मेल्ट होने लग गई है और हल्की हल्की सी इसके अंदर रही है, लगभग ये मेल्ट हो गई है। तो इसी टाइम आपको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से इसमें एक स्मेल से आने लग जाएगी और अच्छी एक क्रेमलाइज बन की तैयारी नहीं होगी। तो ये देखिए एकदम से मेल्ट हो गई है, बहुत ही अच्छी है मेल्ट हुई है, इसमें देखिए बिल्कुल भी चीनी वगैरह नहीं रही है। तो ये देखिए इधर बटर पेपर बिछा लिया, इसको हल्का सा ऊपर से चिकना कर लिया और अब ये क्रेमलाइज इस बटर पेपर के ऊपर फैला देते हैं। तो ये बहुत ही कम समय में, ये 2 मिनटों में ये ऊपर से एकदम से ये सूख की तैयारी हो जाएगी। तो हल्की हल्की आपको चमचे से फैला देनी है। तो ये देखिए इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही कम समय में ये देखिए तैयारी हो जाएगी। तो ये देखिए आराम से आप जैसे बटर पेपर को उठाओगे तो आराम से ये देखिए पूरी ये पपड़ी जैसे उठ गई है। तो ये देखिए इसका कलर देखिए एकदम जैसे कांच जैसे बन के तैयारी हुई है। अब इसको छोटे छोटे पीसेज में कट करके और तैयारी कर लेते हैं। तो अब ये देखिए 3 ले लिए ब्रेड। तो आप कभी भी आप आइसक्रीम बनाए तो आप व्हाइट ब्रेड लीजिए, उनसे बहुत ही एक अच्छा कलर आएगा। मेरे पास व्हाइट ब्रेड नहीं है पर इस ब्रेड से भी आइसक्रीम आपकी अच्छी बनके तैयारी हो जाएगी। तो ये ब्राउन ब्रेड है, तो ब्राउन ब्रेड को अच्छे से चारों ओर साइड के इसके कट कर दिए और अब इसको छोटे पीसेज में करके एक मिक्सी के जार में डाल के और इसको पीस लेते हैं। तो इसका एक फाइन पाउडर बना के और तैयारी कर लिया। तो ये देखिए इसका अच्छे से पाउडर बन के तैयारी हो गया है। तो आपको मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, जैसे एक बार हल्की सी दबानी है और फिर मिक्सी को चलानी है। तो अब वही फ्राई पैन वापस ले लिया, तो इस फ्राई पैन को अच्छे से सुखा के और ले लिया। अब इसके अंदर डाल देते हैं जो ब्रेड का मिक्सचर ये बना के रखा पाउडर। तो ये पाउडर आपको 2-3 मिनट लगातार आपको भूनना है, लो या मीडियम फ्लेम पे, तेज आंच पे नहीं भूनना है। तो इसका एक हल्का सा जैसे कलर चेंज होएगा तब तक आपको भून की तैयारी करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बहुत ज़्यादा आपको कलर चेंज नहीं करना है। या आप धूप के अंदर भी रख सकते हैं, जैसे अच्छी धूप आ रही है तो आप 15-20 मिनट धूप के अंदर रख दीजिए फैला के, तो उसमें भी ये तैयारी होगी, तैयारी हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से ये भून की तैयारी कर लिया और इसका कलर देखिए हल्का सा एक कलर चेंज हो गया है। तो अब इस फ्राई पैन को उतार लेते हैं नीचे और अब डाल लेते हैं इसको एक बाउल में, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक ये ठंडा हो रहा है, अभी इस क्रेमलाइज को पीस की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका कलर देखिए कितना प्यारा इसका कलर है और एकदम फाइन पाउडर बन के तैयारी हो गए। तो जो ब्रेड का ये बूरा डाल के रखा बाउल के अंदर, इसी के अंदर ये क्रेमलाइज डाल के रख देते हैं। तो ये आप एक मिक्सर बना के रख दीजिए, आपका ये मिक्सर 6 महीनों तक ये आपका ये खराब नहीं होएगा। जब भी आपको आइसक्रीम या रबड़ी बनाने की इच्छा होती है तब आप बना के तैयारी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर डाल दिया 1 कप मिल्क पाउडर और अब इसके अंदर डाल देते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो इसके अंदर डाल दिया बादाम, पिस्ता, काजू। तो ड्राई फ्रूट्स देखिए आपकी इच्छा है उतना आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए छोटी चम्मच से, जैसे खाना खाने वाली चम्मच होती है उनसे 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिया कॉर्नफ्लावर। तो अब इस मिक्सर को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब इसके अंदर आप देखिए फ्लेवर के लिए आप मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इसके अंदर इलायची पाउडर। आपके पास आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या आप केसर भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं।
तो अब इस मिक्सर को देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अब कोई भी आप एयरटाइट डिब्बे के अंदर आप रखी भर के रख दीजिए, आपकी फ्रिज में भी रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, ये बाहर भी ख़राब नहीं होएगा 6 महीनों तक। तो कभी भी आपको आइसक्रीम बनानी है या रबड़ी बनानी है तो आप झट से ले लीजिए और बना लीजिए। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें लिया है, 4 छोटी चम्मच पाउडर लिया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिया, जैसे 4 चम्मच पाउडर लिए। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और एक साइड गैस के फ्लेम के ऊपर कढ़ाई रखती है, तो इसमें डाल देते हैं इस मिक्सर को। तो ये देखिए इस कढ़ाई में थोड़ा सा पहले डाल देते हैं 1/2 लीटर दूध, और फिर इस मिक्सर को इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये टोटल देखिए 500 ग्राम दूध था, तो 1/2 गिलास मैंने पहले कढ़ाई के अंदर डाल दिया और थोड़ा सा इस मिक्सर को मिक्स करके और फिर इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसको टोटल 2-3 मिनट आपको अच्छे से पकाना है। तो आप देखिए रबड़ी बनाते हो उस हिसाब से आप ज़्यादा गाढ़ी भी कर सकते हैं और पतली रखी भी आप आइसक्रीम जमा सकते हैं। जैसे पतली, जैसे मैंने देखिए आपको मैं पतली आइसक्रीम आपको जमा के दिखा रही हूँ आज, बहुत गाढ़ी रबड़ी नहीं बनाई है, फिर भी देखिए इसकी इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी आइसक्रीम बन की तैयारी हुई। तो ये देखिए ये पक की तैयारी हो गई है। आपको थोड़ी गाढ़ी करनी है तो आप 2-3 मिनट इसको और पका सकते हैं, पर ये देखिए मैंने ज़्यादा गाढ़ी नहीं करी है। तो अब रख देते हैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं ठंडा करिए, आप चिल्ड भी इसको कर सकते हैं, ऊपर से इसको प्लेट लगा के ठंडा कर लिया, पर ये पहले से देखिए काफ़ी ये देखिए गाढ़ा हो गया है, बहुत ही अच्छी रबड़ी जैसा बन की तैयारी हो गया। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी चीनी और डाल देते हैं, और फ्लेवर के लिए आप इसके अंदर जो आपको पसंद है वो फ्लेवर आप डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर देखिए थोड़ा सा पिंक कलर डाल रही हूँ, 2 बूंद इसके। तो अब देखिए कोई भी डिब्बे के अंदर आप आइसक्रीम को रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप जमाने के लिए रख सकते हैं। मैंने इस डिब्बे के अंदर डाल दिया, देते हैं इसको फ्रीजर के अंदर। तो 4-5 घंटे बाद में इसको चेक करते, 4-5 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर इसको जमने के लिए रख देते। तो ये देखिए 4-5 घंटे बाद में आइसक्रीम को निकाल के चेक कर लेते, तो देखिए बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बन की तैयारी हो गई, और बहुत ही अच्छा इसका कलर देखिए, बहुत ही प्यारा कलर आया। तो ये देखिए एक चमचे की सहायता से आइसक्रीम को निकाल लेते हैं, तो बहुत ही आराम से आइसक्रीम निकल रही है और बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनी है, एकदम अंदर से देखिए एकदम दानेदार आइसक्रीम बन की तैयारी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मेरी, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और आप भी एक बार आइसक्रीम बना के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बहुत कैसी बनी है, मेरी तो आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनी है, तो आपकी भी कैसे बने वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।